दोस्तों, आज मेरे सपने में बहुत बड़े सुपरस्टार जैकी श्रॉफ आ गए थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको मैं अपने सपने के बारे में बताने वाला हूं कि रात में मैंने क्या सपना देखा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बताते हैं। दोस्तों, रात में मैं करीब 11:30 बजे के आसपास ड्यूटी से रूम में आ गया, फिर खा पी के 1:30-2 बजे के आसपास में सो गया। उसके बाद जो है सुबह में एक बार नींद टूटती है, जो कि मैं सपना देख रहा था, सपना आ रहा था रात में सुबह के 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद 6 बजे नींद टूट जाती है। तो सपने में क्या क्या कैसे देखते हैं, चलिए बताते हैं। तो वो एक गाँव का सीन है, मेरे गाँव का सीन है, और एक मैं मतलब गांव में कहीं गया हुआ था और उस गांव से अपने घर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में एक जगह क्या देखता हूँ कि एक घर के पास में जो है सर खड़े हैं, जैकी श्रॉफ सर खड़े हैं। तो मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ कर गया और सर के दोनों पैरों को मैं हाथ से छूकर उनको प्रणाम किया। और फिर इतनी खुशी हुई, फिर रील भी बनाया साथ में, फिर काफ़ी बातें भी हुई हम लोगों में। फिर हमने सर को बोला कि सर आप यूट्यूब पे काम नहीं करते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाते हैं, कि आपका यूट्यूब पर चैनल नहीं है। तो जैकी सर बोले कि नहीं, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिल्में करता हूँ, बाकी अपना ये यूट्यूब अलग है। तो मैंने बोला कि नहीं सर, आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और यूट्यूब पर भी आपको ब्लॉगिंग या फिर कोई भी वीडियो आपको अपलोड करना चाहिए। आज देखिए सर, आशीष विद्यार्थी सर जो कि मूवी में कितने किरदार निभाए और इतने बड़े सुपरस्टार आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उसके बाद मुकेश खन्ना सर जो कि शक्तिमान हमारे बचपन के सुपर हीरो हुआ करते थे तभी के, और अभी जो है वो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। और भी ना जाने सर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो कि व्लॉगिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो आपको भी बनाना चाहिए सर। काफ़ी बातें भी हुई और उसके बाद हमने सर को बोला कि सर आज मान लीजिए कि आप फेमस हैं या फिर आपका जहाँ से भी इनकम है आज आ रहा है, क्या कल वो आएंगे जब आप नहीं रहेंगे? तो जैकी सर बोले कि नहीं, वो कैसे आएगा, हम रहेंगे तभी तो पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि सर तो फिर सर बोलते हैं क्या तुम नेटवर्किंग के बारे में ऐसा बोल रहे हो क्या? नेटवर्किंग में भी ऐसे ही बताया जाता है कि आज पैसे हैं, कल क्या आएंगे आपके नहीं रहने पर। तो उसमें वो, तो मैंने बोला कि हाँ सर, नेटवर्किंग में भी ये बात बताई जाती है, लेकिन ये ऐसे मैं रियल में पूछ रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, तो बोले मैं बोला कि सर अगर यूट्यूब पर आपका वीडियो रहेगा, यूट्यूब पर चैनल रहे, तो कल आपके फैमिली को पैसे आते रहेंगे, और आप नहीं भी रहेंगे फिर भी यूट्यूब पे वो जो वीडियो है उससे अर्निंग होती रहेगी और आपकी फैमिली को वो पैसे मिलते रहेंगे। तो आपको यूट्यूब पर बनाना चाहिए। और भी बातें हुई, उतना ध्यान में भी नहीं है क्या क्या। मैं तो सुबह में 6 बजे जैसे उठा सोकर तो आउट हो गया, अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गया। अभी तो मैं जैकी सर के पास था, उनसे बातें कर रहा था, रील वगैरह बना रहा था और ये क्या। तो मैंने सोचा कि मैं भूल जाऊँगा, इसीलिए मैं उठ कर और बैठ गया और टाइप कर लिया ये सब बातें क्या क्या हमको सपने में हमने देखा वो सभी लिख लिया, ताकि हम भूल ना जाए, और व्हाट्सअप में लिख के उसके बाद फिर मैंने एक बार रीड कर लिया, दिमाग में आ गया कि हाँ हाँ यही बातें थी, और फिर हमने बता दिया। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि झूठ, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। सर भी बोल देंगे तो क्या दिक्कत है, सर मैडम आप लोग तो वीडियो देख ही रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, झूठ बोल के मुझे क्या कंटेंट है, क्या झूठ बोल के ही कंटेंट बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सही में मैंने देखा तभी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ, ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी जैकी सर भी या फिर उनके बेटे टाइगर श्रॉफ भी इस वीडियो को देखें, मान लीजिए हो सकता है किसी ना किसी का वीडियो वायरल हो जाता है, मान लीजिए वीडियो अगर वायरल हो गया वो लोग भी देख रहे होंगे। तो ये मैं जो है अपने मन से या फिर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में सपने में देखा, फिर रील बनाया। रील बनाने में रील एक अपलोड करता हूँ तो नेटवर्क के वजह से अपलोड नहीं हो रहा है, फिर दूसरा कैसे बना। ये सब बात जो है माता ग्राफ करती है। अब कहीं जाइएगा, वीडियो शूट कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, उसको अपलोड में डालिएगा रील में, तो वो अपलोड हो रहा है, स्टोरी लगाइएगा। कंपनी में जाते हैं तो कैंटीन और लॉकर के पास जो है नेटवर्क ही प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क ही नहीं रहता। लालबाग भी गए थे, वहाँ पर एक वीडियो अपलोड करते हैं तो जो है वो वीडियो हो रहा है, दूसरा आप बना ही नहीं पाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए
इस बात से आपको और हमें ये सीखनी चाहिए कि जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, थोड़ा कम स्लो चल रहा है स्पीड, तो वहाँ पर हमें जो है उस वीडियो को पब्लिश नहीं करना चाहिए तुरंत। हमें ज़्यादा वीडियो बनाने हो तो उसको ड्राफ्ट में सेव कर लेना चाहिए। सेव कर लेके उसके बाद जब आप अपने जगह पे आ जाएंगे, अपने घर या रूम पे, तो वहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा रहेगा, तो आप उसको बाद में पब्लिश कर दीजिएगा। और सोचिएगा कि हम यहीं से पब्लिश कर लें तो वो जो है आपका अटक जाएगा, फिर वो पब्लिश भी नहीं होता है, फिर दूसरा वीडियो भी नहीं बना सकते। इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। बाकी जैकी श्रॉफ सर से आज सपने में मिले, हकीकत में अगर मिल ले होते तो कितना अच्छा होता। अब पता नहीं इन फ्यूचर कभी मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पता नहीं, लेकिन आज सपने में मिले, बहुत ही अच्छा लगा, मन खुश हो गया, दिल के दौड़ के मैं जो गया पैर छू लिया उनका, इतना मतलब कि सम्मान लगा और बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको भी ये वीडियो जो है कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।